कुछ नहीं, इसने कल मोमिन सर के लिए वो दिया था ना कि भाई जिस मास्टर जी ने उनको ये पढ़ाया है उनका वो, तो भगोड़ी तू क्या सोच रही है, तेरा ही बंदोबस्त कर रहे थे इसलिए तेरे को जवाब नहीं दे पाया, और तेरे को हर चीज की एक्सप्लेनेशन देना उनकी शान से बाहर है। तेरे जैसे दो औरत को वो एक्सप्लेनेशन देंगे, तेरे जैसे दो कोड़ी अच्छी औरत को एक्सप्लेनेशन देंगे हमारे हिंदुस्तान में आके, तो इतने बड़े जो हमारे वकील है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनपे उंगली उठाएगी वो, फिर को हमेशा जवाब देने के लिए आ जाएंगे। उनकी बहुत बड़ी वो है, ठीक है, वो तेरी जैसी दो कौड़ी की औकात रखने वाले नहीं है। जैसे तू दो कौड़ी की औकात रखने वाली है ना, तो तेरा हर चीज का जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते हैं, और उनकी शान के खिलाफ है, उनके शान के खिलाफ है। तो तेरे को हर चीज का जवाब, तेरे को तेरा भाई देख फंसा गया, अपने आप गुफा में छुप गया, गर्मी हो रही है भाई, मेरे को तो भाई अब मेरे को तो कोई फोन करे मत ना, बस मैं तो बस आराम ही कर ले भाई। हमको तो पहले से पता था कि भाई ने गर्भ गुफा में घुस जाना है, बहन को नहीं छोड़ देना है, और बहन उसके बाद बहन तड़प तड़प के कल कैसे बाहरे मार मार के, ए साली दो कौड़ी की बोदली जेड काली 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 हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान की माताओं को तो ब्लेम कर रही थी ना। हम दो बच्चों की माँ मैं भी हूँ, और शायद दो बच्चों की माँ सरिता जी भी है, और हमारे यहाँ पे तेरे को पता है दो बच्चों से एक बच्चे से ज्यादा नहीं होते हैं। तो चार बच्चों को किडनैप करके लाई है हैदर भाई के ऊपर से, तो कह रही की मेरे बच्चों को हाथ लगा के देखिए मैं फाड़ दूंगी चीर दूंगी। अब तेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा कानून जो करेगा ना वो तेरे को मानना पड़ेगा, और तू नहीं मानती है ना, नहीं मानेगी बेटा, तिहाड़ जेल तैयार है, इट्स फायर। हाँ, उसके बाद मोमिन सर ने ना गन भर रखे, सरिता जी ये इतना फेमस हो गया ना आपका, ये काली 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 सच में मेरे को भी बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, काली कहीं की तेरे को ही काला कर दिया, बड़ी रो रही थी ना, अरे आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, रोने से कुछ ना, तेरे रोने से कुछ नहीं होगा, रो अपना सर फोड़, तेरा सर फूटा पड़ा है उसने और फोड़, तो हसन न तोड़ गोल्डन न तोड़ जिन जो मर्जी कर ले सर, हमारे लॉ पे हमारे अदालतों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा अदालत जो है ना, हमारी अदालतें बिल्कुल सर काम करती हैं। तू क्या सोच रही है, तूने एक साल से बेवकूफ बनाया और हम बने, हम बेवकूफ नहीं बने, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे भरोसा था, हमें अपनी अदालत पे भरोसा है, बोलने की बात है कि हम आके तेरे को मारेंगे कूटेंगे, लेकिन वो भी हमने अपने दायरे में रह के बोला, क्योंकि हमें पता है हम तेरे को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तेरे को वहां पे सिक्योरिटी मुहैया करवा रखी है, हमें पता है हम नहीं मार सकते, लेकिन हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, जैसे तेरी जैसी दो कौड़ी की दो टके की नकनिया हमारे हिंदुस्तान की बहनों को गाली दे के, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को गाली दे के अपनी भड़ास निकाल रही है ना, तो मंगा ले सोफा भी मंगा ले, तो आलमारी भी गोदरेज की आलमारी मंगा ले, सारा कुछ मंगा ले, बरतना तो तुम्हें है नहीं, जाना तो तुम्हें जेल में है, चमची चाची बरतेगी मैडम, चमची चाची बरतेगी उसने, जिन्होंने बरतना है उनके लिए लाओ रख दे और तेरे इतना ना तेरे को पुण्य मिलेगा। और तूने क्या बोला, कैसा वकील है मेरे से मेरे बच्चों को वो करेगा जुदा करेगा, तू कैसी बेगरत बेशरम औरत है जिस बाप से तूने उन चार बच्चों को अलग किया, तेरे को शर्म नहीं आई जरा सी भी शर्म नहीं आई आई, अगर जरा सी भी तेरे को शर्म आई हुई होती ना, तो तूने जब तू मीडिया पे आई थी, जब तू पकड़ी गई थी, तो कह रही है कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, देखिए एक पॉइंट और है, तो कह रही थी कि 50 दिन तक मैं गायब थी, अरे उल्लू की पट्टी तो क्यों छुपी हुई थी, क्यों तूने सारे के सारे जो पहले के वो नंबर थे वो तूने वो कर दिए डिस्ट्रॉय कर दिए, अगर भाई जहां फोन करते कहां करते, तेरे बाप को कबर में, तेरे बाप को कॉल करते कबर में, कॉल करते तेरे बाप को, अरे झूठ इतना बोल, और देख हमारे साथ तो हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ में ना तो कितने भी तेज बंदे, तेरा सो कौन भाई कितना भी तेज बंदे हुआ तो भी उसने गुफा में छुप जाना, छुप गया
और क्या घुस गया। उसके बाद तो एलिगेशन लगाती है कि 50 दिन तक हम वहां थे, तब तक इसको बच्चों की याद नहीं आई। जैसे ही मैं मीडिया पे आई, मैं मीडिया पे पॉपुलर हो गई, अब दो कौड़ी की औरत तो पॉपुलर नहीं हुई। तेरे को ये दिखाया गया दुश्मन मुल्क से यहाँ पे इतनी हिम्मत करके किस कैसे आ गई तू, तेरे को पॉपुलर नहीं, तूने पॉपुलर किया अपने आप को लोगों के सामने बिछा बिछा के, जैसे दरी दिखती है ना ऐसे बिछा बिछा के तूने पॉपुलर किया। 14-15 लाख लोग तूने अपने साथ में किए है ना, तो तूने उनसे पैसा लिया है। तो जो रात को एक चैनल तो चलाती है ना जिसमें फीस देनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करके करे तूने। और वो बेगरत मर्द भी मैं सोच मैं देख रही हूँ कि उन बेगरत मर्दों पे भी ना तमीज तहजीब नहीं है, जो अपनी ही हिंदुस्तान की बहनों के खिलाफ जाके तेरी मदद कर रहे हैं, तेरे को सुपर चैट कर रहे हैं, तेरे को क्या क्या कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं भाई पे, हैदर भाई पे। तो कहती है ऐसा बाप है, दो बच्चे उसके पास है, वो उनको ही पाल ले। भाई वो बाप है, 10 बच्चे पाल लेगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो अपने 4 बच्चों को भी ले जाएगा और वो अपने 2 बच्चों को भी पाल रहा है बहुत अच्छी तरह। तेरी जैसी बेगैरत औरत जो नंगी धड़ंगी तू मीडिया पे आ रही है, कपड़े पहनने के बाद भी तू नंगी रह रही है, तो उस मर्द को बोल रही है जो मर्द होने के बावजूद भी अपने उस पे है, ईमान धर्म पे है। वो अभी भी तेरे को तू करके नहीं बोलता, कल पहली बार उसने तुझे गाली दी, क्योंकि तेरी औकात ही वो हो गई है, तूने अपने औकात बना लिया वो, क्योंकि तूने अब अपने औकात वो बना लिए कि तेरे को ना सीधे मुंह से वो भी नहीं बोल पाएंगे। और आने वाले टाइम पे तो चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, ये जो बच्चे हैं ना आने वाले टाइम पे तेरे जहां ये चोट वोट लगी है, जहां तू मांग भरने का स्वांग कर रही है ना, यही चप्पलें मारेंगे ऊंची हिल की, 5-5 इंची की जो है ना, ताकि वो जाके अंदर जाके गड़े और तेरे को ये फील हो तूने बच्चों की लाइफ जो है स्पॉइल की है ना, तूने बच्चों का जो तूने धर्म जो वो किया है ना, बच्चों की जो तूने आइडेंटिटी खराब की है ना, वो बड़ा वाला बेटा है ना सबसे पहले तेरे मारेगा, ऐसा जूता मारेगा ना तेरा, ऐसे चमाट मारेगा तेरे मुंह पे, देख तू संभल नहीं पाएगी। वैसे भी तूने कितने साल के हो जाना है इसने, जब यहाँ से जेल से छूटेगी सरिता जी? 45 की है मैडम, 5 साल की कम से कम, जेल 50 की हो जाएगी, 10 साल की, इसको 10 साल की सजा मिलेगी। इधर उधर के जो ढूंढ तान के जो और धाराएं लगी है ना, हो सकता है कि इसको और 10 साल की सजा मिलेगी। 55 साल में जाएगी तो क्या बोल के जाएगी, तेरे को तो शर्म आ जानी चाहिए। उसके बाद तू इधर जेलर साहब से बोलियो, 10 साल के बाद जो जेलर साहब होंगे ना उनको बोलना फांसी का फंदा ला दीजिए, मैं यही फांसी लगा देती हूँ, छोड़ो क्या जाना मेरे को। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के बहन भाई हैं जिनका तूने दिल दुखाया है, उनकी थोड़ी सी ख्वाहिशें रह जाएंगी तेरे पे पत्थर मारने की। हाँ, ये है उनकी ख्वाहिशें रह जाएंगी। पर मैडम हम तो अपने काम ना कमावे, हम ना फांसी देवे इसने, हम तो इसने भेजेंगे ना फांसी, फांसी और तब फांसी हम क्यों दे, वो तो खुद कह रही है कि भाई हम मेरे को दे दो तो रस्सी दे दो, मैं खुद फांसी लगा दूं। पवन जल्लाद जी भी शर्मा जाएंगे इसके सामने, अरे ये काम तो मेरा है फांसी देने का, ये खुद लगा रही है पवन पवन तो हाँ पवन शर्मा जी तो छोड़ ही देंगे फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही कह रही हूँ, इसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हमारे हिंदुस्तानियों पे भी, हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे भी, इवन अपने हस्बैंड पे भी, जिस हस्बैंड ने इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं इसको, उससे बात नहीं करवाई, उसके सामने नहीं आने दिया कि कहीं भैया पहचान लेंगे और मैं तो यही झूठी ठहरी जाऊंगी। कल क्यों रो रही थी, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे बेटा, अभी तो तू अभी तो सिर्फ कल रो रही है, दहाड़े मार मार के तेरे पास 16 दिन है, 16 दिन में रफा दफा उस तरह भर गया इसकी सारी बात। तो और हैदर भाई अपने बच्चों को लेके मजेदार लैंड कर जाएंगे पाकिस्तान, मौज हो जाएगी मौज। तूने चैलेंज किया था ना मोमिन मलिक साहब को, बहुत गलत किया तूने। अगर तो जिस दिन 27 तारीख को तू गई थी ना तो हाजिरी लगाने तो गई थी, अगर तो 27 तारीख को कोर्ट रूम में चली जाती ना तो शायद आज तेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज मोमिन सर को नेपाल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी पहले से है,
इन्फॉर्मेशन उन्होंने तेरी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से तू जो नेपाल आने में लगी हुई है, नेपाल में तेरे जो संबंध है, क्योंकि नेपाल में तू वो कॉल बोल रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आई थी और लप्पू को मैं तेरे भाई ने बोला कि भैया ये तो इसकी मर्दानगी चेक करने आई थी, वो मर्दानगी चेक करने नहीं आई थी, तू मर्दानगी तू रेकी करने आई थी हिंदुस्तान में, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ पे रहना है मुझे, मुझे कहाँ पे रहना है, कौन से घर पे रहना है। पहले तो कुछ दिन दिल्ली में रही, दिल्ली से फिर तू रघुपुरा शिफ्ट हुई, रघुपुरा में जब तू शिफ्ट हुई 50 दिन तू वहां रही। तू क्या सोचती है तेरे अगर इतिहास में अगर तेरे बारे में लिखने का, चल बोधली तेरे बारे में लिखेंगे हम इतिहास में,